तो कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, एंड आज मैं दोबारा से खेलने वाला हूँ लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। एंड आज हम लोग बेसिस को डेट करने वाले हैं, बंदों को ट्रोल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरा दोस्त भी है इस वीडियो में, उसकी आवाज़ भी है, बहुत मज़ा आएगा। दोनों बात करते करते खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सो एंड तक देखना, चलो शुरू करते हैं। चल चलते चलते इसी बंदे ने हमारी बेस पे रेट किया था, पता? हमारी बेस पे रेट किया था। ये देखो सामने। हाँ, आ गया आ गया आ गया। वेट 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 वेट। चला गया अंदर, चला गया। दो बंदा देखा है इधर, दो बंदा है। हाँ ऊपर दिख रहा है, दो बंदे। अरे मेरे पास एमो नहीं है। एमो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है क्या? इधर इधर 11 एमो है। इधर उठा लो उठा लो। हाँ मिल गया मिल गया। वो लोग भी गन्स वगैरह लेके आएंगे, तुम लोग पीछे आ जाओ, गन वगैरह लेके आएंगे वो लोग। वो लोग दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम क्या बाहर आए क्या वो लोग? बाहर तो नहीं आए, उनके पास कुछ है ही नहीं। वो लोग दोस्त, उनको दोस्त बना ले क्या? नहीं, भरोसा नहीं है। बेस का सामान लेके बाहर जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सुनो, इन सब में प्राइवेट चैट में इनका पासवर्ड मतलब पूछता हूँ, तो देखते हैं ये बोलते हैं कि नहीं। मस्त प्लान है। क्या बोलते हैं? काल या इनको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? आ जाए अंदर, आ जाए अंदर। हाँ हाँ वो करो। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। और भाई जब उन्होंने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला तो हम लोग आ गए यहाँ पे एक बेस रेड करने के लिए। अब मुझे ना इस बेस के ऊपर जाना था, तो मेरे दोस्त के पास तो वो ग्लाइडर होता है ना, वो ग्लाइडर उसने खरीद लिया था, लेकिन हमारे पास तो ग्लाइडर नहीं है ना। तो हम लोगों ने ऐसे जुगाड़ लगाया, अपने घोड़े में बैठे एंड ऐसे जाने की ट्राई कर रहे थे। लेकिन भाई देख लो, मेरी किस्मत कब अच्छी हुई थी जो आज अच्छी होगी। मतलब भाई इतनी बार ट्राई कर लिया, ये ऊपर ही नहीं जाता। काय करता है तू भाई? देखो फिर से नहीं गया। मैं पहली बार ट्राई कर लिया था, हो गया था, लेकिन भाई उसके बाद मैं गिर गया और ये अभी ट्राई कर रहा हूँ। एंड भाई लकीली इस बार भाई कैसे पता नहीं, लेकिन मैं ऊपर आ गया फाइनली। भाई इतनी खुशी हो रही थी ना भाई, मतलब इतनी खुशी तो कभी भी नहीं हुई थी। एंड मैंने अपने घोड़े को अंदर बुलाया एंड मेरे फ्रेंड ने इन सारे बेसिस को ढूंढना शुरू किया। भाई इस बंदे ने ना सच में बहुत ज़्यादा ही वो करके रखा था। हम लोगों के पास सिर्फ सिंपल ऑयल ड्रम्स थे एंड इस बंदे ने डबल सीलिंग करके रखा था। हमको पता नहीं था, हम लोगों ने देखा नहीं था नीचे से। एंड हमको ना ऊपर से ये सिर्फ एक ही ये सीलिंग दिखता है जो कि आयरन का है। तो हमने सोचा कि भाई चलो कैबिनेट नहीं तोड़ सकेंगे तो अंदर से सिर्फ चीज़ें ही ले लेंगे, फर्नेस से या फिर स्टोरेज वगैरह तो बाहर ही होगा। तो हम लोग यहाँ से तोड़ने लगे एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे ये शॉटगन दिया। उसने वो बोल रहा था कि शॉटगन से हम लोग ये सीलिंग तोड़ सकते हैं। मैं मान नहीं रहा था। उसने बोला कि भाई देखो शॉटगन की ताकत क्या होती है। एंड भाई उसने दिया, मैंने एमो लिया सब एंड मैंने ये मारना शुरू किया एंड देखा कि भाई ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड भाई यहाँ पर अभी ज़्यादा देरी ना करके जल्दी से हम लोग ऑयल ड्रम प्लेस करते हैं एंड पूरे के पूरे सीलिंग वगैरह को तोड़ते हैं, देखते हैं अंदर से यहाँ पे क्या क्या दिखता है और क्या क्या नहीं दिखता, देखते हैं। और भाई मेरे दोस्त ने मुझे सिंपल ऑयल ड्रम दे दिया एंड मैंने यहाँ पे एक सिंपल ऑयल ड्रम लगा भी दिया एंड मेरा दोस्त गिर गया नीचे। मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा रेड कर रहा हूँ, मेरा पहला रेड है ये। एंड मेरा भाई देखो वो ग्लाइडर से आ रहा है, देख रहे हो? जिनके पास पैसा होता है उनके पास ये सब मज़े होते हैं, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो ग्लाइडर से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अंदर मेरे को अभी जाना नहीं है, देखो हम दोनों को ही नहीं पता अंदर में क्या है। तो मेरा दोस्त बोल रहा था कि वो अंदर जाएगा, वो अपनी चीज़ें मुझे दे रहा है एंड वो अंदर जाके देखने वाले क्या है क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मेरे को दे देता है एंड वो अंदर जाता है। और भाई मेरे दोस्त ने जान का जोखिम उठाया और वो अंदर चला गया एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। बलि का बकरा बन गया वो, मैं तो बाहर ही हूँ, जो भी है उसके साथ ही होगा। देखो भाई वो पूरा घूम के आ गया, वो बोल रहा था कि अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। अब मेरे को ना यहाँ पे उसकी आवाज़ सुना, मतलब गेम के टाइम में तो उसकी आवाज़ आ रही थी, पास में मैं देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ आ ही नहीं रही है, नहीं तो मैं यहाँ पे उसकी आवाज़ भी डाल देता। तो अभी मैं ये से वॉइस ओवर नहीं करता, लेकिन ठीक है। अंदर कुछ नहीं मिला हमको, हमारे सारे वर्ल्ड ड्रम्स बर्बाद चले गए, गोली एमओ गन सब कुछ गया एंड मेरे दोस्त को वहाँ पे मरना पड़ा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया थोड़ा रूम वगैरह करने के लिए। मेरे पास यहाँ पे एक हेलमेट भी आ चुका था एंड पता नहीं मेरे टीम में से मेरा दोस्त निकल चुका था या फिर मैं ही गलती से निकल गया, बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे ना मेरे को एक बंदे ने मार दिया था, तो मैं अपना सामान लेने के लिए आया था एंड मैं उस बंदे को भी ढूंढ रहा था, लेकिन पता नहीं वो मेरे को मिला नहीं बाद में। एंड भाई यहाँ पे देखो ना, उसने मेरा मास्क भी ले लिया, तो मैं
सपोकेट करके मर जाऊंगा यहाँ पे अब तो। एंड भाई यहाँ पे कुछ सामान नहीं दिख रहा, लगता है उस बंदे ने सब कुछ ले ही लिया पहले से। यहाँ पे चलो मुझे एक ये सप्ली चश्म मिल गया, अच्छा चीज़ है, लेकिन ज़्यादा कुछ अच्छा सामान तो नहीं मिला ना, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रूम करने के लिए आया था एंड मेरे को ये गार्ड्स वगैरह परेशान कर रहे थे। एंड मेरी भाई पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या दिक्कत हो गई थी भाई, वो गोलियाँ लगी नहीं रही थी उसको, इसलिए मैं वहाँ से भाग के आ गया। एंड मैंने देखा कि भाई ये रूम ऑलरेडी लूटेड है। एंड फिर मैंने देखा कि अंदर जाके ये पर्पल रूम है, मैं ग्रीन कार्ड लेके आया हूँ भाई, मैं ग्रीन कार्ड लेके पर्पल रूम करने आया हूँ। वाह भाई वाह, बेकार में हेल्थ भी कम कर वाली एंड दिमाग का बाजी पाव भी हो गया। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।